सब्सक्राइब करिए स्मार्ट एक्सपर्ट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे फनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहीं तो हाँ हाँ बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आप इनके पिताजी हैं? जी जी हम इनके पिताजी ही हैं। हाँ तो हमें आज इसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए सर। जी आपका लड़का एक नंबर का बदतमीज कमीना है। इसकी हरकतों से तंग आ गया हूँ मैं। साला इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। नींद की गोलियां लेकर सोना पड़ता है आजकल तो। क्यों ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया इसने? जरा इसका चेहरा तो देखिए, इससे मासूम तो सुअर लगते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, इनके मैथ की क्लास में मैंने सारे बच्चों से एक आसान सा सवाल पूछा कि फाइंड एक्स। सभी बच्चे लगे हुए थे एक्स की वैल्यू फाइंड करने में, लेकिन उसी बीच ये मेरे पास चुपके से आता है और मेरे कान में बोलता है, सर वो तो बेवफा निकली, उसकी बात छोड़िए। हेलो। हाँ हाँ हम ही ने फोन किया था। लिखो। 3.5 समोसा, 6 बर्गर, 3 जलेबी, 1 चटनी मार के और 4 पिज्जा। अरे नहीं नहीं हमको पता है आप हॉस्पिटल से बोल रहे हो, होटल में हमने फोन थोड़ी ना मिलाया है। हम बता रहे हैं कि यही सब खा खा के हमारे पापा बीमार हुए हैं। और सर बहुत अर्जेंट एक एम्बुलेंस मत भेजिएगा। हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि बुड्ढा मर जाए, क्योंकि जायदाद मिल जाएगी ना हमको। क्या कह रहे हो? तोरे जैसा लौंडा किसी को ना मिले। तू अपना नाम बता बे। अगले जन्म में तेरे पेट में से सुअर का बच्चा निकलेगा साले। साले फट जाएगा तू बीच रास्ते में बम की तरह। और हाँ सुन, तेरे को तो आखिरी बार बताना ही भूल गया, कान खोल के सुन ले, फोन रख साले। आपने जिद्दी सुअर की कहानी सुनी है? नहीं। तुमने सुनी है? नहीं। एक जिद्दी सुअर था, उसका मालिक उसको पिंजरे में रखता था, लेकिन वो जिद्दी सुअर जैसे तैसे पिंजरे के पीछे से बाहर आ जाता था। मालिक परेशान, रखे वो पीछे से बाहर आ जाए, फिर रखे फिर बाहर आ जाए। एक दिन मालिक परेशान हो गया, वो उस सुअर को काट के बना के खा गया, लेकिन वो जिद्दी सुअर था, वो फिर अपने मालिक के पीछे से बाहर आ गया। यही है वो सुअर, यही है वो सुअर, यही है वो सुअर। अच्छा आप ही बताइए, अगर एक बच्चे को पिशाब लगता है तो बाकी दो इसके पीछे क्यों जाते हैं? इसका धोने? हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये एकदम बिगड़ गया है। घर पर दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पूछो तो कहता है पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों जी मोबाइल में क्या खेलते हो? खेलते नहीं है, पढ़ते हैं। ये देखो ये है यू डिक्शनरी ऐप, इसमें आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखो, ये आपको तुरंत उसका हिंदी मतलब बता देगा। और यही नहीं, अब इसके सेंटेंस स्कैनिंग फीचर से आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को स्कैन करके उसका हिंदी में तुरंत मतलब जान सकते हैं। और यही नहीं, अब तो आप हिंदी सेंटेंस को भी स्कैन करके उसका इंग्लिश में मतलब जान सकते हैं। जैसे ये देखो। हाँ ये यू डिक्शनरी तो कमाल का है, हमको कल क्लास के बाद शेयर कर देना। अरे सर ये बस थोड़ा सा शरारती हो गया है, नहीं तो हमारे खानदान में सभी ने कुछ न कुछ बड़ा ही किया है।
अरे आपको पता है, हमारे जो पिताजी थे यानी इसके दादाजी, अरे वो क्रिकेट के मास्टर थे। मास्टर बैटिंग करते थे या बॉलिंग? अरे बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं, पीच जब सूखा रहता था ना तो ऐसा सुसु करके उसको गीला करते थे कि जब उसके अंदर स्टंप गाड़ो तो 3 3 साल तक बाहर नहीं आता था। हमारे पिताजी का मतलब एकदम फायरी सुसु था। अरे बहुत फेमस थे उस जमाने में मोतीलाल जी। अच्छा, और आप क्या करते हैं? अरे आपको पता नहीं, हम पहले राइटर थे, फिर हमने जब ये पिक्चर लिखी ना टाइटेनिक, उसके बाद हमने राइटिंग छोड़ दिया। क्यों, राइटिंग क्यों छोड़ दी? वो पिक्चर तो हिट हुई थी। क्योंकि उस पिक्चर में इतने सारे लोग डूब के मर गए ना, हमने बोला बहुत गलत काम है ये, इसलिए हमने छोड़ दिया पिक्चर राइटिंग करना। और टाइटेनिक से पहले भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म की कहानी लिख चुके हैं, लेकिन कभी रिलीज नहीं की उस पे पिक्चर। काहे रिलीज क्यों नहीं किया? अरे रिलीज कर देते तो शहर में आंसुओं का सैलाब आ जाता, बुड्ढों से लेकर बच्चे तक सब रोने लगते। काहे ऐसा क्या लिख दिया था आपने? देखिए क्या होता है, एकदम इमोशनल सिचुएशन है। देखिए आदमी ऐसा बेड पे लेटा हुआ है और अपना आखिरी सांस गिन रहा है, और वो गिन नहीं पाता क्योंकि मैथ्स में वो कमजोर है और मर जाता है। कैसा लगा? कहाँ हो गया सर जी? सर जी लगता है सर भी मैथ्स में कमजोर थे। कोई बात नहीं, हम आप सब तक फिर लौटेंगे एक नए मीटिंग में। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाया जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक